यवतमाल में आठवीं फेल मैकेनिक मुन्ना ने अपने सपने को साकार करने के लिए हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन ट्रायल के दौरान यही हेलीकॉप्टर उसकी मौत की वजह बन गया। करीब 25 साल के इस होनहार युवक की मौत से इलाके में मातम है। मुन्ना के सपनों के टूटने और उसकी मौत से जुड़ी तस्वीरों आपको विचलित कर सकती है। रात के अंधेरे में उड़ान के लिए तैयार यही वो हेलीकॉप्टर है जिसे यवतमाल के मुन्ना नाम के मैकेनिक ने तैयार किया था। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना उर्फ रेंचो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सामने अपने इस हुनर का प्रदर्शन करना चाहता था। इसे ध्यान में रखकर बीते मंगलवार को मुन्ना अपने इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल करने मैदान में पहुंचा और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उड़ान की तैयारी की। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ और इसके पंखों ने जैसे ही तेजी पकड़ी कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पिछला पंख टूटा और ऊपर नाच रहे पंखे से जा टकराया। इसके बाद पंखे का एक हिस्सा केबिन में बैठे मुन्ना के सिर में लगा और गहरी चोट की वजह से मुन्ना बेसुध होकर हेलीकॉप्टर से गिरता नजर आया। मुन्ना के सपने का साक्षी बनने आए उसके दोस्त हादसे के बाद अनहोनी के अंदेशे में उसके पास भागकर पहुंचे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई गंभीर हादसा हो चुका है, इसलिए हेलीकॉप्टर से बाहर गिरे मुन्ना को उसके दोस्त आवाज देकर जगाने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पल में उन्हें समझ में आ गया कि हेलीकॉप्टर के जिन पंखों के दम पर मुन्ना अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का सपना देखा करता था वो ही उनके दोस्त के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। इस हादसे में मुन्ना की जान जा चुकी थी। 3 से 4 दिन ग्राउंड ट्रायल लिए उसने, एक फ्लाइंग ट्रायल कल लेने जा रहा था जिसकी मालूमात उसने किसी दोस्तों वगैरह को नहीं बताई। करीबी एक दो लोग थे उनके साथ वो फ्लाइंग टेस्ट ले रहा था जिसमें उसका टेल रोटर टूटकर मेन रोटर को लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। होनहार लड़के की मौत से इलाके में मातम नजर आया। जिस हेलीकॉप्टर को बनाकर मुन्ना अपनी काबिलियत को साबित करना चाहता था और देश के विकास में एक योगदान देना चाहता था, उसी सपने को हकीकत में बदलने के दौरान उसकी मौत हो गई। मुन्ना ने अपने हेलीकॉप्टर का कई बार जमीनी ट्रायल किया और उसे पूरा भरोसा था कि उसके हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी नहीं रह गई है। आखिरी बार उसने अपने हेलीकॉप्टर का एरियल ट्रायल करने का प्लान बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रह गई जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और मुन्ना की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में मुन्ना तकरीबन 3 साल से जुड़ा हुआ था और 3 साल की करीब 1600 घंटे की मेहनत से उसने बेकार पड़ी चीजों का पुर्जा जोड़कर अपने गैराज में ही हेलीकॉप्टर बनाने की ठान ली। धीरे धीरे उसे अपना सपना साकार होता दिखने लगा। बताया गया कि हेलीकॉप्टर बनाने के लिए खराब चीजों को ठीक करने वाला मुन्ना अलमारी और कूलर जैसी चीजें बनाता था। जैसे ही उसके हेलीकॉप्टर ने एक शक्ल ले ली उसने इसका नाम अपने नाम पर रख दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और हेलीकॉप्टर तैयार भी हो गया। बहुत मेहनती था, काबिल था, हालांकि 8वीं फेल था, लेकिन फिर भी उसमें एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। उसने 3 साल में 1600 घंटे काम किया उस प्रोजेक्ट पे और उसको सफल बनाया। मुन्ना कम पढ़ा लिखा था लेकिन हुनरमंद। मुन्ना सपने देखना और अपने सपनों में रंग भरना जानता था, लेकिन किसी चूक की वजह से सपनों ने ही उसकी जान ले ली। यवतमाल के मुन्ना की मौत के साथ ही महाराष्ट्र ने एक बड़ी संभावना को खो दिया है। बताया गया कि उसके बनाए हेलीकॉप्टर को देखने बंगलुरु से एक टीम आने वाली थी। यही वजह है कि मृतक मुन्ना उस टीम के आने से एक दिन पहले अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर को ट्रायल के तौर पर उड़ाकर देखना चाहता था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये ट्रायल उसकी जान ले लेगा।